सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ हैदराबाद से लेकर के गया के लिए, जो कि बोध गया है। और अभी आप देख सकते हो हैदराबाद एयरपोर्ट का व्यू, और मैं अभी एयरपोर्ट आ चुका हूँ कैब से। तो चलिए गाइस, अब एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं और आपको लॉन्च का पूरा डिटेल बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में जाने वाला हूँ और मैं पूरा बूफे एंजॉय करने वाला हूँ मात्र 25 रुपीज़ में, क्योंकि मेरे पास HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। तो चलिए अब लॉन्च के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हो मैं लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ और ये है मेन एंट्री गेट, जहाँ पर आपको अपना कार्ड दिखाना पड़ता है और क्रेडिट पैसे कटवाने पड़ते हैं। और जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको काफ़ी खूबसूरत सा सीटिंग स्पेस मिल जाएगा एयरपोर्ट लॉन्च का। तो अभी एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ, ये एयरपोर्ट का लॉन्च। अभी आप एयरपोर्ट के लॉन्च के बुफे सेक्शन को देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में होती खाने के लिए और सब कुछ अनलिमिटेड होता है। सो आप एक बार पे करो और अंदर आके हर एक चीज़ आप इंजॉय कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी लॉन्च में आ चुका हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, रिलैक्स कर रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर लॉन्च में आप आओगे तो। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड खाना होता है बुफे में, सब कुछ अनलिमिटेड रहता है, मतलब नॉन वेज वेज सब कुछ ब्रेकफास्ट में है। मैं आपको वीडियो में सारा कुछ आगे दिखा दूंगा जो भी है। और मैंने इसके लिए मात्र पे किया 25 रुपीज़, क्योंकि मेरे HDFC के मिलेनिया कार्ड में 3 फ्री लॉन्च एक्सेस है। तो मैं हर महीने फ्रीक्वेंटली जो ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे मतलब फ्री में खाना हमेशा एयरपोर्ट में मिल जाता है। सो गाइज, अभी मैं अपनी प्लेट ले रहा हूँ और चलिए बुफे को इंजॉय करते हैं। और मैं आपको सारा मेन्यू दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो मेंदू वड़ा है, मैं भी अपनी प्लेट में डाल रहा हूँ। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो साउथ इंडियन डिशेज जैसे कि इडली, ये कुछ बीन्स थे फ्राइड बीन्स, और ये है उपमा, और भी बहुत सारे आइटम थे नॉनवेज वगैरह। बट मैं नॉनवेज आज नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। साथ में चटनी वगैरह, आपको फ्रूट्स कट फ्रूट्स सब कुछ रहते हैं यहाँ पर। सो अभी आप देख सकते हो मेरी प्लेट, पहली प्लेट लगा कर आ चुका हूँ। तो चलिए इसे इंजॉय करते हैं, फिर अपनी अगली प्लेट भी लगवाएंगे। सो गाइस, ये एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर आ चुका हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर, तो आप आ सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। क्वालिटी और क्वान्टिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होता यहाँ पर। साथ में यहाँ पर लाइव काउंटर्स भी होते हैं, जहाँ पर आप डोसा उपमा उत्तपम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके बनवा सकते हो। यहाँ पर शेफ़ रहते हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करो, वो ऐसी अकॉर्डिंग बना देंगे जैसा भी आपको खाने का मन हो। साथ में आप ब्रेकफास्ट देख सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स मूसली वगैरह सब कुछ है। साथ में आप ये देख सकते हो, यह चाय बनी हुई रहती है विदाउट शुगर, आप अपने अकॉर्डिंग शुगर डाल के इसे इंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं सेकंड प्लेट लगवा के आ चुका हूँ। इसमें चाय है, डोसा मैंने बनवाया था, आप देख सकते हो चाय मैंने शुगर मिला ली, उसके बाद चाय भी बना रहा हूँ। साथ में प्लेट्स में फ्रूट्स है, इस बार वाटरमेलन वगैरह मैंने ऐड किया है, तो चलिए इसे भी इंजॉय करते हैं। साथ में मैं चाय के मज़े ले रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो ये है ब्रेड काउंटर और कॉफ़ी काउंटर, जो कि एयरपोर्ट पर है, और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। साथ में अंदर का व्यू देख सकते हो, एम्बियंस देख सकते हो, साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट का भी आप व्यू अंदर से बैठे बैठे इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर स्मोकिंग रूम अलग से होता है, सो अगर आप स्मोक करते हो तो यहाँ आ सकते हो। साथ में यहाँ पर जूस का काउंटर है, मैं अपने लिए भी जूस निकाल रहा हूँ, और आप देख सकते हो ये है मैंगो जूस, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट अपना लगा रहा हूँ, अभी कॉर्नफ्लेक्स लिया है मैंने, और ये है चोकोज, और ये म्यूसली। साथ में यहाँ पर कोल्ड मिल्क का ऑप्शन होता है, आप ले सकते हो उसे। और यहाँ पर स्पून्स और हनी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है, आप आराम से इसमें मिक्स करके आराम से सीरियल जो कि ब्रेकफास्ट है उसे इंजॉय कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम ये यूज़ करते हैं। इवन जो मिल्क की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी थी, मैं आपको बोल सकता हूँ ये फ्रैंकली। साथ में आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है प्रीमियम डाइनिंग एरिया लॉन्च का, और ये है सिटिंग एरिया, आप अंदर आके आराम से केबिन जैसा बना होता है उसमें काम भी कर सकते हो अपने ऑफिस का। एयरपोर्ट का ये प्रीमियम सिटिंग एरिया होता है, नॉर्मल एरिया मैं आपको दिखा दूंगा आगे, वो बिल्कुल क्राउडेड होता है, उतना साफ नहीं होता है, बट यहाँ पर प्रीमियम सोफा वगैरह लगा रहता है, लाइटिंग अच्छी रहती है, सो काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइज, अभी मैं ब्रेड सेक्शन में आ चुका हूँ और अपने लिए मफिन्स और ब्रेड का जो है वो ब्रेकफास्ट लेने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैंने मफिन लिया है, साथ में अमूल बटर ब्रेड के लिए। और अभी यहाँ पर देख सकते हो ब्रेड की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, और ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों होता है, सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हो। साथ में राइट साइड में ओवन भी है, जहाँ पर इसे गर्म कर सकते हो आप। और फ्रूट्स फिर से, क्योंकि मुझे फ्रूट्स काफ़ी पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो वाटरमेलन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। सो आप देख सकते हो मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की अनदर प्लेट लगा ली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। साथ में आफ्टर मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीने का मन किया, तो यहाँ पर मशीन लगी होती है। सो गाइस, अभी 7 अप ले करके आ चुका हूँ, थोड़ा से पीता हूँ और खाने को बचाता हूँ।
यहाँ पर आपको सारी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी, मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा रखा हो। सो गाइस, अभी मेरा सब कुछ ब्रेकफास्ट खा के हो चुका है, मैंने अभी सारा कुछ खाना ट्राई कर लिया जो भी यहाँ पे था, थोड़ा थोड़ा ही करके सब कुछ ट्राई कर लिया, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ, प्लस थोड़ा थोड़ा गैप तो ऑब्वियसली किया, डायरेक्टली साथ में एक साथ नहीं पिया है, बट हाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अगर आप इतना पे कर सकते हो और अगर आप कार्ड में ऑफर है तो आप डेफिनेटली आ सकते हो लॉन्च में, अदरवाइज़ अगर पे करने की बात करूँ तो अराउंड 1200 या 1300 लगते हैं 2 घंटे के लिए। सो उस हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आ सकते हो, वरना आपकी चॉइस है। मैं एक्चुअली अपने होम टाउन गया बिहार जा रहा हूँ, सो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ से हैदराबाद से कोलकाता, कोलकाता में अराउंड 2 घंटे का लेओवर है, उसके बाद है कोलकाता से गया तक के लिए जो कि मेरा होम टाउन है। सो अराउंड ये टोटल जर्नी लगभग 6.5 घंटे की होने वाली है। लॉन्च में काफ़ी टाइम बिता लिया, अराउंड 2 घंटे मैं यहाँ लॉन्च में बैठा रहा और सब कुछ बूफे वगैरह इन्जॉय कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 12 घंटे में। सो अभी जा रहा हूँ गेट पर जहाँ पर मेरा चेक इन काउंटर है और वहाँ से फ्लाइट में बैठता हूँ, फिर वीडियो आगे वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, मैं अभी लॉन्च से निकल चुका हूँ और अभी आप देख सकते हो मैं लिफ्ट में हूँ और जा रहा हूँ गेट नंबर 19 के पास बोर्डिंग, यहाँ से मेरा होने वाला है। तो चलिए, अभी यहाँ से लॉन्च से बाहर आ चुका हूँ देख सकते हो, और अभी कॉमन एरिया में आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ गेट नंबर 19 के पास। सो गाइज, होप आपको ये मेरी एयरपोर्ट लॉन्च वाली वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।